समर्थन दे दिया, अफवाहें अफवाहों पर मत जाओ, इसी गुमराही से तो बचाना है विकास ने की आवाम को, इसी गुमराही से बचाना है। ये जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार लोगों ने खाने का काम करा, इसे सब धांधली को बंद करा देंगे। ये सब दासनी की मजाक बनाने का सिस्टम बना लिया है इन्होंने, ये नकारा हो चुके हैं। कभी तो डोरेमोन ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम लॉलीपॉप खिला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जो है पैसे से वोट किसे देनी है। इनके सामने युवा है, इन लोगों ने हमें खड़ा करा है। ज़्यादा सभी बिरादरियों को मुझे साथ मिला। केटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केटी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद, हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा, दासनी के अंदर चुनाव चल रहा है, सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग बराबर कर रहे हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो दासनी की आवाम के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मेरा जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा के हैं। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ उद्योग होने के बावजूद भी यहाँ लोग बेरोज़गार हैं, ये हमारे यहाँ के दासनी के नेताओं की नाकामयाबी है। और हम जो काम करेंगे वो शिक्षा स्वास्थ्य पे, और लोगों को जो बेरोज़गार हैं उन्हें बिजनेस दिलाने का काम करेंगे, जॉब दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो आप, कांग्रेस पार्टी नेशनल है, सबसे बड़ी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सिंबल होने का कितना आश्वासन मिल रहा है? 100% मुझे सिंबल होगा। अच्छा, मेरी विजेंद्र यादव जी से बात हुई थी, नसीम खान जी से मेरी बात हुई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से मेरी बात हुई। मैं भारत जोड़ो यात्रा जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में निकली थी, मैं उसमें भी था, और इंशाल्लाह 100% टिकट होगा, मुझे आश्वासन दिया है। चेयरमैन ने 5 साल में विकास करने का काम किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दासनी के जो मौजूदा चेयरमैन रहे उन्होंने विकास नहीं करा, दासनी की एक मजाक बनाकर छोड़ दिया। दासनी में क्या विकास करा? आप पूरे दासनी में घूमते हो, मुझे बताइए विकास उन्होंने जो 5 साल में उनके हैंडओवर पे आता है वो विकास करने का क्या करा है? आप पूरे दासनी में घूम रहे हो, बनवाया है, महिलाओं को पेंशन दिलाने का काम किया है, जो 5 साल के अंदर दासनी में रहने का काम किया है, जो भी परेशानी है दासनी की हर समस्या को हल करने का काम किया है, उसमें कितना सच नज़र आ रहा है आपको? दासनी में सबसे पहले पुल ना बनाओ, पुलिया, और उस पुलिया में मैंने पहले भी आपसे इंटरव्यू में कहा था कि उस पुलिया बनाने में भी 50 लाख रुपये का इन लोगों ने 82 लाख रुपये का टेंडर लिया, 50 लाख का है, 32 लाख रुपये सारे लगे होंगे उसमें। अच्छा, दूसरा पेंशन दिलाने पर इन्होंने धांधली करी है, इन्होंने 150-200 रुपये जमा कराए, पेंशन बंधेगी ये फलाना पीस ये ढिमकाना पीस, किसी की भी पेंशन ना बंधी, और पेंशन और बेचारियों की छिन गई। अच्छा, परेशान है लेडीज़ों से पूछो। अब श्रम कार्ड भी बनवाए उन्होंने, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। देखो, वो प्रधानमंत्री योजना थी, साइबर कैफे पे जाके लेडीज़ों ने बनाए, और वो जो है योजना उसका लाभ उठा रहे हैं वे लोग, इसका कौन सा लाभ है बताइए। अच्छा, एक चीज़ और, दासनी में चुनाव में प्रचार में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं, ये डोरेमोन चला रखे हैं, झूले हैं, और भी बहुत सारे उनके अलग तरीके का प्रचार। मेरे भाई, क्या कहेंगे? डोरेमोन चलाने से विकास नहीं होगा, ये सब दासनी की मजाक बनाने का सिस्टम बना लिया है इन्होंने, ये नकारा हो चुके हैं, पब्लिक ने इन्हें नकार दिए हैं। तो ये अब कभी तो डोरेमोन ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम लॉलीपॉप खिला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जो है पैसे से वोट खरीद लेंगे। हमारे दासनी की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पिछली मरतबा ये गुमराही में आ गए थे, लोगों ने गुमराह कर लिए थे, बाकी अब ऐसी हमारे दासनी की जनता नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जागरूक करता है, और उन्हें पता है कि आपके वोट किसे देनी है। उनके सामने युवा है, इन लोगों ने हमें खड़ा करा है। ज़्यादा सभी बिरादरियों का मुझे साथ मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम घर से भी बहुत मजबूत हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो हमारी बिरादरी की वोट हैं 4500 के करीब में है, इंशाल्लाह उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेंगे। ठीक, युवा सोच से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी के लिए हमारे युवा यहाँ से सभी बेरोजगार ज़्यादातर जो परेशान है, अगर आप सत्ता में आए कांग्रेस पार्टी से सिंबल होने के बाद, और आप जीत की दौड़ में, और आप इंशाल्लाह जीत गए, तो उसके लिए क्या कहेंगे, बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी बराबर रोड पर है, आपको मालूम है, करोड़ों लोग चल रहे हैं साथ में, और उसी नेतृत्व पर हम भी दासनी में काम करेंगे बेरोजगारी ख़त्म करने का। इंशाल्लाह जितने भी हमारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाने का काम करेंगे, और दासनी को शिक्षित ऐसा कर देंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों को इंशाल्लाह खुद ही जॉब मिलेंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उन पर काबिल इतने हो जाएंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो मजदूरी दे के लोगों की लोगों बच्चों को जो है
गुमराही के रास्ते पर उतार दें, इन्हें पढ़ाई से बिल्कुल अंधे कर दें। अच्छा, बिना पढ़ाई के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि अगर मैं जीता तो अभी तो मैंने डासना के अंदर फ्री कराई है, यहाँ से गाजियाबाद तक फ्री कराने का काम कर। भाई फ्री लाइट कराओ ना, फ्री लोगों को जो है कोरोना काल में देते ना, क्या करा इन्होंने कोरोना काल में भी, इनके घर बंद थे, इन्होंने एक अस्पताल खोला था आसमोमन चैरिटेबल नाम से, उस पर भी इन्होंने लोगों को लूटने का काम करा। आज डासने की जनता ने इन्हें नकार दिया है और ये हो सके पाँचों छठे नंबर पर आएंगे। आप देख लेना, मेरा वादा है आपसे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम जीत की दौड़ में हैं और हम बराबर वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ तक भी हो रही है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है मेरा तुमसे, अभी हमें सूत्रों से पता लगा था कि आप मेहताब जी को समर्थन करने वाले हो, इसमें कितना खर्चा है? देखिए ये तो चुनावी फंडे हैं और मैं मजबूत हूँ, मजबूत आदमी किसी को समर्थन करता है क्या, बताइए आप। नहीं, ये जनता जो कह रही है इसमें कितना सच है? ये तो मौके पे भी नए नए फंडे निकल के सामने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बराबर जीत की दौड़ में हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि समर्थन दे दिया, अफवाहें, अफवाहों पर मत जाओ, इसी गुमराही से तो बचाना है, डासने की आवाम को इसी गुमराही से बचाना है। केटी लाइव न्यूज़ के माध्यम से डासने की आवाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो सबसे पहले डासने की जनता जागरूक है, इसे पता है किसको वोट देनी है, हमारा हक है वोट देने का, कीमती हमारी वोट है, वोट ही हमारा एक हथियार है। और मैं डासने की जनता से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले डासने की जनता देख ले कि नया लड़का है, युवा है और विकास ला सकते हैं डासने में, और जहाँ तक भी हमसे होगा लोगों के लिए प्रधानमंत्री योजना घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। और जो है ये जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार लोगों ने खाने का काम करा, इसे सब धांधली को बंद करा देंगे।